अपोजिशन और हुकूमती तहदियों में मुशावरत तेज। एम के एम के वफद की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद एम के एम के हुकूमत से अलग होने पर बातचीत। एम के एम वफद में खालिद मकबूल, आमिर खान और दीगर शामिल। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सुहेल अनवर सयाल भी मुलाकात में मौजूद। किसी रुकन असम्बली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। हर रुकन का वोट शुमार होगा। वोट शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन डी सीट होगा। नाहली कितनी होगी, इतलाक कब से शुरू होगा, ये मामला पार्लियामेंट खुद हल करे। सदारती रेफरेंस से पहले पार्लियामेंट में मामला क्यों नहीं हल किए गए, सारे मामला अदालत क्यों दिख के। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। सदारती रेफरेंस पर समात के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा, जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के तनाजे जरूर होंगे। क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है, जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए। बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। जस्टिस मुनीम ने रिमार्क दिए, अराकीन के इधर उधर जाने से तबाही फैलेगी। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क दिए, मुनहरिफ रुकन पर ताहियात नाहली का इतलाक कैसे कर दें। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की, अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सदारती रेफरेंस पर राय दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ये अहम मामला है, चंद दिन समात पर लगेंगे। रजा रबानी को अदालती मावन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान के पास हॉर्स ट्रेडिंग का सबूत है तो सामने लाएं। किराए के तर्जमानों से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। झूठ तोहमत का हिसाब अवाम लेंगे, मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से पैसे बटोरे, बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे बेचे। मुस्लिम लीग नून के एमएनए तोड़कर आप जमीर फरोशी की बातें करते हैं।